सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस फिनिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मिलिट्री वेपन्स के बारे में सबसे पहले जानने के लिए। 1962 युद्ध में चीन के साथ क्यों नहीं खड़ा था पाकिस्तान? हाल ही में भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारतीय सेना ढाई मोर्चे पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। बिपिन रावत के इस बयान को भारत समेत पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की मीडिया में भी काफ़ी तवज्जो मिली थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि बिपिन रावत ने चीन, पाकिस्तान और भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों से युद्ध जीतने की बात कही थी। पाकिस्तान की मीडिया में भी बिपिन रावत की इस टिप्पणी ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। हाल ही में चीन और भारत के बीच डोकलाम सीमा पर काफ़ी तनातनी रही थी। चीनी मीडिया में युद्ध की धमकी लगातार दी जा रही थी। वहाँ की सरकारी मीडिया का कहना था कि भारत ने डोकलाम सीमा पर दुस्साहस किया है। चीन भी कह रहा था कि भारत अपने सैनिकों को वापस बुला लें। दूसरी तरफ भारत का कहना था कि चीन वहाँ सड़क निर्माण का काम बंद करे। चीनी मीडिया में भारत को 1962 की युद्ध की भी याद दिलाई जा रही है। इस युद्ध में भारत को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। क्या भारत को लगता है कि अगर चीन के साथ युद्ध हुआ तो इसे पाकिस्तान से भी लड़ना पड़ेगा? 1962 के भारत चीन युद्ध में पाकिस्तान की क्या भूमिका थी? क्या तभी पाकिस्तान ने चीन का ही साथ दिया था? अगर भारत और चीन के बीच की तनातनी युद्ध में तब्दील हुई तो पाकिस्तान क्या करेगा? आज़ादी के बाद भारत के सभी युद्धों के गवाह रहे पत्रकार कुलदीप नैयर कहते हैं, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ काम करता था। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर चीन के साथ 1962 के युद्ध में पाकिस्तान हमारे साथ आ जाता तो हम लड़ाई जीत जाते। ऐसे में अगर वह हमसे कश्मीर भी मांगते तो ना कहना मुश्किल होता। भारत ने पाकिस्तान से मदद नहीं मांगी थी, लेकिन मदद की उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने आगे बताया, इस संदर्भ में मैंने अयूब खान से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वो भारत को मदद देने के लिए तैयार नहीं थे। उस युद्ध में पाकिस्तान भारत के साथ नहीं था। इससे पहले मैंने जिन्ना से सवाल पूछा था कि अगर भारत पर कोई तीसरी ताकत हमला करती है तो पाकिस्तान का रुख क्या होगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि हम भारत के साथ होंगे, हम ड्रैगन को साथ मिलकर भगा देंगे। वह इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट थे। वो कहते थे कि हम दोनों बेहतरीन दोस्त होंगे। जिन्ना कहते थे कि जर्मनी और फ्रांस में इतनी लड़ाई हुई तो क्या वो दोस्त नहीं हुए? क्या अमेरिका के दबाव में था पाकिस्तान? तो क्या चीन भारत युद्ध में पाकिस्तान तटस्थ रहा था? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र की प्रोफेसर सविता पांडे कहती है, उस वक्त पाकिस्तान पर मोहम्मद याकूब खान का शासन था। पाकिस्तान अमेरिका के काफ़ी दबाव में था। अमेरिका ने पाकिस्तान पर काफ़ी दबाव डाला था कि वह भारत चीन के फ्रंट पर कुछ ना करे। प्रोफेसर पांडे बताती है कि उस समय पाकिस्तान ने इस बात को खारिज किया था कि उस पर अमेरिका का दबाव था। 1962 में शीत युद्ध की धमक दक्षिण एशिया आ चुकी थी। पाकिस्तान और अमेरिका में डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका था और वह वेस्टर्न अलायंस सिस्टम का भी हिस्सा बन गया था। अमेरिका ने 1962 की लड़ाई में भारत की मदद की थी, इसलिए पूर्ण संभवता है कि उसने पाकिस्तान को रोका। 1962 की लड़ाई के बाद 57 साल हो चुके हैं। क्या इतने साल बाद भी भारत और चीन की तनातनी में पाकिस्तान पर अमेरिका का दबाव काम करेगा? कुलदीप नायर कहते हैं, उस वक्त भी पाकिस्तान में यही भावना थी कि चलो भारत को चीन अच्छी तरह से हरा रहा है। उस वक्त पाकिस्तान में फ्राइडे टाइम्स के मालिक बियर शेट्टी भारत का खुलकर समर्थन करते थे। उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान बिना दोस्ती के नहीं रह सकते। क्या अब भारत के खिलाफ खुलकर सामने आएगा पाकिस्तान? नैयर आगे कहते हैं, अभी भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो पाकिस्तान खुलकर भारत के खिलाफ आएगा। अब पाकिस्तान डट कर सामने आएगा, वो जो भी कर सकता है करेगा। पाकिस्तान दूसरे मोर्चे से सामने आए इस पर तो मुझे शक है, लेकिन वो चीन की मदद करेगा। भारत को समझ लेना चाहिए कि चीन के साथ युद्ध होता है तो पाकिस्तान उसकी तरफ नहीं होगा। हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान पर इतना दबाव बनाए कि वो तटस्थ रहे। वही सविता पांडे कहती है, 57 साल में बहुत कुछ बदला है। पाकिस्तान में कई सरकारें आई और गई, पूरी दुनिया की राजनीति बदल गई है। पहले जो शक्ति का समीकरण था वो आज की तारीख में नहीं है। भारत और अमेरिका के संबंधों में काफ़ी बदलाव आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच अलग मुद्दा है और चीन के साथ भारत की अलग समस्या है। क्या चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए चिंता का विषय है? प्रोफेसर पांडे ने कहा, हालांकि पूरी दुनिया इस बात को समझती है कि पाकिस्तान और चीन के बीच की दोस्ती भारत को लेकर ही है, किसी भी देश के लिए दो सरहदों पर लड़ाई लड़ना काफ़ी मुश्किल काम है। इस मुश्किल को अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में हर कोई समझता है। पाकिस्तान के संबंध 3 मोर्चों पर खराब है। वह भारत के साथ ईरान, अफगानिस्तान से भी जूझ रहा है। सेना प्रमुख ने भले बयान दिया है, लेकिन 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। अब पाकिस्तान खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश कहता है। पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध भी काफ़ी गहरे हुए हैं। दूसरी तरफ इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच संबंध कथित तौर पर खराब है।
ऐसे में क्या 1962 की तरह 2020 में भी पाकिस्तान पर अमेरिका का दबाव काम करेगा? सविता पांडे कहती है, हम जब भी युद्ध या तनाव की बात करते हैं तो बाहरी ताकत की अपेक्षा नहीं करते। बाहरी ताकत का बहुत ज़्यादा असर होता है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में आकर कुछ नहीं करेगा। फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पर अमेरिका का प्रभाव है। दो मोर्चों पर लड़ाई कितनी मुश्किल है। भारत ने 1962 के बाद 1965 की लड़ाई लड़ी थी, मात्र 3 साल बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। सविता पांडे कहती है, पाकिस्तान ने यह सोचा था कि भारतीय सेना का मनोबल नीचे है और ऐसे वक्त में हमला किया तो भारत को फिर हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान की आकलन ऑन द मूव गिरा था और उसे हार का सामना करना पड़ा था। प्रोफेसर पांडे कहती है कि 1965 की लड़ाई पाकिस्तान के लिए आग खोलने वाली थी। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान कोई भी खुली लड़ाई लड़ने के मुकाबले प्रॉक्सी वॉर को तरजीह देता है। तो क्या 1962 की लड़ाई से ही पाकिस्तान को प्रेरणा मिली थी कि वो भारत को हरा सकता है? प्रोफेसर पांडे कहती है कि इस तर्क में दम है और पाकिस्तान ने ऐसा सोचा था। पाकिस्तान को लगा था कि यह अच्छा मौका है और वह कश्मीर में उथल पुथल कर सकता है। 1962 में पाकिस्तान और चीन के संबंध वैसे नहीं थे जैसे आज है। 1962 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान और चीन के संबंध मजबूत हुए। 1963 में पाकिस्तान ने भारत के क्षेत्र को चीन को सौंप दिया था। 1962 की युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन की यारी बढ़ी। पाकिस्तान में चीन की जिस तरह से मौजूदगी है, ऐसे में क्या दोनों देश युद्ध की स्थिति में साथ नहीं आएंगे? JNU के दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र में ही प्रोफेसर पी लामा कहते हैं, पाकिस्तान और चीन के बीच CPEC और काराकोरम हाईवे का जो संबंध है उसमें भारत का विरोध है। भारत का विरोध इसलिए है कि चीन ने बिना भारत की अनुमति के POK से रास्ता निकाला। प्रोफेसर लामा कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को भारत समझता है, लेकिन दूसरे मोर्चे से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आए ये आसान नहीं होगा।